वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें 3a माइनस 1 बाई ए का क्यूब फाइंड करना है। सो 3a माइनस 1 बाई ए का क्यूब इज इक्वल टू होना चाहिए 3a का क्यूब माइनस 3 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 1 बाई ए प्लस 3 इंटू 3a इंटू 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई ए का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3a का क्यूब मतलब कि 27a क्यूब माइनस 3 इंटू 3a का स्क्वायर मतलब कि 9a स्क्वायर बाई ए हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3a इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए का क्यूब मतलब कि 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू होगा 27a क्यूब। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक a कैंसिल हो जा रहा है सो बचेगा माइनस 27a प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे से एक a कैंसिल होगा तो बचेगा 9 बाई ए माइनस 1 बाई ए। यही आंसर। थैंक यू।